Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. कैसे हैं आप सब लोग? आज जो है ईद का सेकेंड डे है और मैं आई भी हूँ अपने घर पे अपने भाई के यहाँ. और अभी जो है सब बच्चे मेरे साथ हैं और सब यहाँ पे बैठे हुए, मामा लेटी हुए हैं, साथ बैठे हुए नुमान भाई और हरमैन भी बैठा हुआ है. हम सब लोग जो है आज डिनर करेंगे हीरा आपी के, और हीरा आपी विक्की भाई काम कर रहे हैं. अभी मैं आपको दिखाती हूँ क्या कर रहे हैं. बना रही है कबाब और विक्की भाई जो है तल रहे हैं कबाब. दोनों मिल बांट के कर रहे हैं, इनके घर पर मेहमान आए हुए ना जब. चलो भाई, शाम में आ गए थे यहाँ पे 7 बजे के करीब और यार बहुत हालात खराब है. बाहर के बाहर नहीं निकल रहे हैं कहीं में भी, क्योंकि हर जगह पानी भरा हुआ है. हम लोग बहुत मुश्किल से आए तो कितना पानी भरा हुआ है ना. और नुमान भाई कैसी रही आपकी बारिश? बारिश है, ईद 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 में थोड़ी सी बारिश भाई, बहुत भीगना हुआ आज तो पूरा दिन भीगते में गुजरा है, ठीक है ना. और बहुत तेज बारिश हुई थी और कल का दिन भी और मसरूफ गुजरा पानी में और फिर इधर उधर भी सोते हुए. हाँ. तो मतलब ऐसी मसरूफियत ही रही. और आज घर में जो दावत थी हमारे वो भी कैंसिल हो गई. इनके घर में दावत थी वो भी कैंसिल हो गई. सब लोग आ नहीं सकते थे. चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम आप लोग जरूर करिएगा. अब बच्चों से पूछती हूँ कैसी ईद गुजरी. बच्चों आप लोगों की ईद कैसी गुजरी? कितनी गाय देखी आपने कटते हुए? बहुत सारी. और फरमा और हसनैन ने? हमने 5 गाय देखी और 5 गाय का. ओ हुन्नू हुन्नू गाय का है? कैसे कट? ऐसे काटी है. अभी आ गए और अब हम खाना खाएंगे. पापा से पूछेंगे कि पापा की जो है ईद कैसी गुजरी. कैसी गुजरी पापा आपकी? तो मेरी मस्जिद की खिदमत में गुजरी माशाल्लाह. पापा खाने जमा कर रहे थे आप? अच्छा. और बारिश में ना है? ओहो जबरदस्त. चले भाई अल्लाह पाक अजर दे आपको घर में और बारिश में सौदा लाने में पापा का. और यहाँ पे जो है कबाब तले जा रहे हैं, ये कीमा और कहाँ रखे बॉक्स में. और ये जो है ये रहे कबाब, बहुत यम्मी लग रहे हैं. अब हम जब खाएंगे तो बताएंगे आपको कि कैसे बनाए हीरा आपी आपने. आम मुन्नु, आम कौन खाएगा? मुन्ना खाएगा. मुन्नु क्या पी रहे हो आप? कोडिंग पी रहा है. आप पी लो. चलो सही मजे किए. जो है ना भाई के घर से फ्री होकर मैंने सोचा कि अपनी नानी के घर पे चले जाऊं, तो मैं अपने छोटे मामू के घर पर आई हूं. और मैं अब आपको ना एक एक करके मिलवाती हूं. तो ये सुबीर अबिया को जैसे आप जानते हैं हटावन लोगों से, बाकी वो मेरे छोटे मामू हैं. और ये मेरी पुप्पो और ये अबिया बैठी हुई है. कैसा कैमरा? सब हेलो करो. हेलो. चलो ठीक है. और जो है जैसे कि 12 बज गए हैं और यहाँ पे हमारे पास एक बॉय बैठे हुए नुमान भाई. तो भाई विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. चलो हैप्पी बर्थडे. सब जो है कमेंट में नुमान भाई को जरूर विश करें. और अगर ज्यादा आपको इनसे मोहब्बत हो तो इनके प्रोफाइल पे जाकर नुमान चेक. और अभी जो है हम सब लोग गपशप लगा रहे हैं ईद पर. जो है काफी टाइम बाद मैं इन लोगों से मिलने के लिए आई, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को भी दिखाती हूँ. चलो ये मिरर जो है अभी लगा है, इसमें मैं आपको दिखाती हूँ. हेलो. और ये जो फ्लावर्स है ना, ये फ्रांस से मंगवाए. इसके जो क्रिएटर्स है ना वो सब हमारे घर के ही हैं. फ्लावर्स है ना ये सुबुई रबिया ने बनाए, ऑरेंज एंड येलो कलर के. अभी ये लोग इस साइड को भी डेकोर करेंगी. और जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ. और हाँ ये जो है गजरे जो आपको दिख रहे हैं मेरे मियाँ ने दिलाए हैं मुझे. और जो बीच वाला है ये मेरी पुप्पो ने बनाकर दिए हैं, जो ये बैठी हुई. और ये वाली जो पुप्पो है इन्होंने बनाया. अगर आपको इस तरीके की कोई ज्वेलरी चाहिए तो इनसे रब्ता कीजिए. सो आज जो है नेक्स्ट डे है. कल की वीडियो मैंने वहीं पे शॉप कर दी थी और आज न्यू डे है, मतलब ईद का 3rd डे है. और मैं स्टिल अपनी मामा के घर पर हूँ अभी. और मामा के यहाँ दावत है हम सबकी, सारे सिबलिंग्स की. तो जो है अभी हमारी मामा जो है बना रही हैं कबाब. जैसे कि कल आपने देखा था, कल मेरी भाभी भी कबाब ही बना रही थी और आज मामा कबाब बना रही. लेकिन कबाबों में डिफरेंस है कि वो जो थी कच्चे कीमे के कबाब थे और ये जो है ना मामा शामी कबाब बना रही है. और अभी मैं दिखाती हूँ आपको कि शामी कबाब मामा कैसे बना रही है.
तो ये रही मामा शामी कबाब बनाते हुए। प्लीज ओके प्लीज। और वो मेरे बड़े भाई और ये मेरे मियाँ वन एंड ओनली और ये भाभी जो ये कल कबाब बनाती थी ना, आज ये वो बिचारी तैयार होकर आई। कल कल इनके घर में गए थे आप तो ये तैयार नहीं थी, लेकिन आज ये तैयार होकर आई। हेलो। और ये हरमैन, इनकी ना डांट पड़ी अभी इनकी मम्मा से, इनका मूड खराब है। एक बच्चे का मूड बहुत ज्यादा खराब है, देखिए काट रहा है अपने आप को ये बच्चा जो है ना, अभी बिजी, इसकी बहुत बड़ी डांट पड़ी है अभी अपनी मम्मा से। और अभी अपिया अपिया अभी कोई काम करी, मैं अपिया को दिखाती हूँ जरा। हसनैन हसनैन जो है बहुत मसरूफ चल रहे हैं यहाँ पर मोबाइल चलाते हुए। और अपिया अपिया भी आ गई। अपिया ने बोला था भाई कि मैं पहले बाल खोल लूँ फिर मेरी बेटियों बना। अच्छा तुम क्या कर रही थी? चावल भी बोल रही थी बिरयानी की। हाँ तो बिरयानी ये नहीं बना रही, अब ये मैं समझेगा कि ये बिरयानी बना रही है, हमारी मामा बिरयानी बना रही है, हम लोगों की दावत है। अब मैं कुछ बच्चे जो है ना हमारे बाहर भी बैठे हैं, मैं उनको दिखाती हूँ। बच्चो हन्नू आप ही वीडियो। तो यहाँ जो है ना मैं कबाब वगैरह फ्राई कर रही थी, चावल भीगे हुए थे बिरयानी के, तो मैं कबाब फ्राई करने लगी। उसके बाद यार मैंने मोबाइल मतलब रख दिया था क्योंकि काम करने के साथ साथ हो रहा नहीं था। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट डे मतलब मैं अपने घर आ गई थी, फिर हमारे घर के जो साथ मतलब सामने ही ना एक ग्रीन लाइन का स्टेशन है, अगर आप लोग नॉर्थ साइड पर रहते होंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ पर ग्रीन लाइन चलती हैं, काफ़ी अच्छा मतलब काफ़ी अच्छी लगती हैं ये। तो मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊँ, बहुत ही अमेजिंग ये प्रोजेक्ट है ग्रीन लाइन का। हम इसमें गए थे, इनकी बसेस वगैरह सब बहुत कंफर्टेबल हैं, आप अगर इसके अंदर बैठो ना तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप कराची में हो। काफ़ी अच्छा मतलब चिल्ड होती है एकदम ना, और ना काफ़ी जल्दी पहुँचा देती है हर जगह, ट्रैफिक वगैरह में तो बिल्कुल फंसती नहीं है। और इसके जो रोड वगैरह हैं वो भी सब बिल्कुल अलग हैं, इसके ब्रिजेस भी हैं और ना कुछ अंडरग्राउंड भी बना हुआ है ये ना। तो मैं अभी आगे जो है ना अंडरग्राउंड की वीडियो मैंने शूट करी थी तो मैं आपको वो दिखाऊंगी, बहुत अमेजिंग प्रोजेक्ट है इनका। और इनके जो है ना हर थोड़े मतलब आगे जाकर ना एक इनका स्टॉप आता है, हर मतलब जो रास्ते में जितने भी जगहें पड़ती ना उन सब पे इनका स्टॉप है। काफ़ी अच्छा, अगर आप नॉर्थ साइड पर रहते हो तो ये बहुत अच्छी हैं। तो हमने फर्स्ट टाइम गए थे इसके अंदर तो फिर मैंने कहा चलो आप लोगों को भी दिखाऊं। और फिर जो है हम कायद आजम के मज़ार गए थे वहाँ से, तो फिर ये देखें आपको सामने से दिख रहा होगा। और फिर अब ना मैं इसको आपको दिखाती हूँ, इसका अंडरग्राउंड कितना अच्छा बना हुआ है। ये सामने से देखें जो ग्रीन लाइन आ रही है, एक आती है और एक जाती है इस तरीके से, और ये ना एक डबल बस की तरह है, मतलब डबल डबल चलती है। और ये देखिए कितना अच्छा बना हुआ है अंदर से, बहुत अमेजिंग बनाया है यार, बहुत ज़बरदस्त। और इसके ऊपर मेन रोड है, मतलब ये नीचे है और ऊपर जो है ना रोड है नुमाइश का, जो है ना जहाँ पे नुमाइश है सदर की साइड पे, वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त बना हुआ था यहाँ पे। इसका जो बहुत रिजनेबल टिकट्स हैं इसके जो है ना। और फिर जो है काफ़ी मतलब मुझे ऐसा लग रहा ही नहीं था कि यार मैं कराची में आई हूँ, मतलब मैंने अभी तक कोई ऐसी राइड ली नहीं थी, लेकिन मुझे काफ़ी मज़ा आया। अपनी पूरी फैमिली के साथ आई थी मैं, काफ़ी इंजॉय किया हम लोग जो है ना, ऐसे ही गए थे काफ़ी। मतलब मैं बचपन में गई होंगी कायद आजम के मज़ार पे यार, मुझे याद भी नहीं है लास्ट टाइम मैं कब गई थी। और अब मैं गई थी अपनी फैमिली के साथ, मतलब अपने इन लॉज के साथ, तो मैंने कहा यार चलो जाते हैं। तो हमें कायद आजम के मज़ार पे तो जाने ही नहीं दिया अंदर, मतलब पार्क में ही थे। और उसके अलावा ना वो पूरा बंद किया हुआ था, तो फिर यहाँ से मैंने थोड़े से क्लिप्स वगैरह बना लिए थे, ऐसी ज़्यादा कोई शूट ही नहीं किया था क्योंकि यार वहाँ पर इतने अजीब अजीब से लोग आए हुए थे, मतलब आई डोंट नो ऐसे तो लोग आए हुए थे वहाँ पे। फिर उसके बाद जो है ना हमारे घर में बारबेक्यू था, तो हम लोगों ने बारबेक्यू किया था। जैसे कि ईद के बाद जो है सब लोग ही अपने घर में बारबेक्यू करते हैं, तो हम लोग जो हैं अपने घर में बारबेक्यू कर रहे थे, पूरी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। अच्छा जी, तो एंड टाइम पे ना लाइट भी चली गई थी, तो मैंने इतना अच्छा डेकोरेट किया था वो सब मैं दिखा नहीं पाई, लेकिन यार चलो बस मैंने आपको थोड़े से सीन दिखा दिए, वरना मैंने सोचा था एक पूरी वीडियो बनाऊंगी प्रॉपर, लेकिन मैं बना नहीं पाई क्योंकि काम में भी लगी हुई थी। मतलब मज़ा आ गया था बारबेक्यू में, और साथ खूब अच्छी बनाते हैं यार बारबेक्यू। और ना ये वाली जो मतलब बारबेक्यू बनती है ना, जो कोयलों वगैरह पर बनती है, इसका टेस्ट ही अलग होता है। आप सब मुझे कॉमेंट में बताइएगा कि किस किस ने बारबेक्यू कर लिया है अपने घर पर अभी बस खरीद के लिए। ये मैंने थोड़ी सी स्लोमो में वीडियो बनाई थी, और फिर साथ ने मुझे बोला कि थोड़ी सी चेक करके बताओ बोटियाँ कि कैसी बनी हैं। और तो यहाँ पे जो है मैं चेक कर रही थी कि किस तरीके की बनी है, टेस्ट कैसा है इनका, और बहुत मज़ेदार बनी थी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो ना तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।
है।